Hello friends, this is another problem in C++. ओके सो इसमें हमें क्या करना है, हमें ऑब्जेक्ट को पॉइंट करवाना है यूजिंग पॉइंटर. ओके एंड यूजिंग दैट पॉइंटर वी हैव टू कॉल द मेंबर फंक्शन ऑफ अ क्लास. ओके सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्लास डिक्लेयर करते हैं नंबर. ओके एंड इसके अंदर हम एक मेंबर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं नम, इसका टाइप है इंटीजर. और इसके पब्लिक सेक्शन में हम एक मेथड डिक्लेयर करेंगे जिसका नाम है गेट. ओके एंड यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, प्लीज एंटर अ नंबर. ओके एंड यूजिंग सी इन विल input that number to num, which is the data member of the number class. एक और member function declare करते हैं display. Okay, और इसमें user से जो number accept किया था वही हम display करेंगे. Okay, so अब हम main function पे आते हैं. एंड इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे. सो एन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास नंबर. अब एक पॉइंटर क्रिएट करते हैं नंबर टाइप का. ओके ये जो क्लास हमने डिक्लेयर की है इसका एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं पीटीआर. ओके और वो पॉइंट करेगा ऑब्जेक्ट जो ऊपर हमने एक एन ऑब्जेक्ट जो डिक्लेयर किया है उसके एड्रेस पर. ओके सो ये तो क्या हुआ, इसको हम कमेंट करके लिखते हैं. क्या हुआ, पॉइंटर टू ऑब्जेक्ट एन. ओके ओके सो अब हम क्या करेंगे, यूजिंग दिस पॉइंटर, ये जो पॉइंटर हमने डिक्लेयर किया है पीटीआर नंबर टाइप का, इस पॉइंटर को यूज़ करके हम इसके मेंबर फंक्शंस को कॉल करेंगे. लाइक सबसे पहले हम गेट मेंबर को कॉल करते हैं, देन पीटीआर डिस्प्ले. ओके लेट्स रन दिस प्रोग्राम. तो सबसे पहले उसने कहा, क्योंकि हमने गेट मेंबर फंक्शन को कॉल किया है सो उसने उसे वो यूजर से इनपुट लेगा. सो 10 एंटर किया तो उसने बताया नाम 10. ओके सो दिस इज़ आवर प्रोग्राम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल.